Jindal from Department of Zoology. I am working as an assistant scientist, assistant professor in Dyanand College, Hisar. आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करेगा इन अटेम्प्टिंग सेक्शन बी ऑफ पेपर वन. पेपर वन में अप्रोक्सीमेटली 18 टेस्ट हैं और उनमें से 5 की लाइफ हिस्ट्री करनी है. जिस टाइम पर स्टूडेंट्स लाइफ हिस्ट्री करने लगते हैं उस टाइम पर उनको लगता है कि भाई ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं. लेकिन जैसे ही वो उसे याद करने लगते हैं, एक पेस्ट से दूसरे पेस्ट में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो वो सारा उनका मटेरियल सारा मिक्स हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मटेरियल फर्स्ट पेस्ट का था या सेकेंड पेस्ट का था. लेकिन मेरे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू उन स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिलेगी कि वो किस तरह से इन पेस्ट को प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं, साथ ही बुक से डिफरेंट वे में उनको याद करने में हेल्प मिलेगी. स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाएंगे कि वो पेस्ट वाले पोर्शन को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं. हम इसमें वीट पेस्ट लेकर चलेंगे, वीट पेस्ट सिसेमिया इन्फ्लुएंस. वीट पेस्ट के थ्रू एक बार उन्होंने वीट पेस्ट का तरीका देख लिया, मेथड देख लिया, उसके बाद वो ये मेथड बाकी के 5 पेस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं इन लर्निंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पेस्ट. और बाकी के टॉपिक्स भी इस पेस्ट के याद करने के बाद वो बड़ी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वीट पेस्ट हम लेकर चलते हैं. वीट पेस्ट है वीट स्टेम बोरर सिसेमिया इन्फ्लुएंस. सबसे पहले अगर आप बुक में देखोगे सिसेमिया इन्फ्लुएंस देखते हैं बुक के अंदर, तो सबसे पहले उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन आती है. पेपर के अंदर एक फुल क्वेश्चन आता है सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द पेस्ट, जिसके अंदर 4-5 पेस्ट दिए हुए होते हैं और उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखनी होती है. तो आप बुक में देखोगे कि जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो क्लास इंसेक्टा से स्टार्ट कर रखी है, जबकि हमने जब भी हम पढ़ते हैं तो कभी भी क्लासिफिकेशन क्लास से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा क्लासिफिकेशन किंगडम से स्टार्ट होती है. तो हमें जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस वे में दिखानी है कि पहले हमें किंगडम लिखना है, फिर फाइलम लिखना है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, एंड देन द कॉमन नेम ऑफ द पेस्ट. तो इन केस ऑफ वीट द किंगडम इज एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली लोक्टुडी नोक्टुडी, जीनस सिसेमिया, स्पीसीज इन्फ्लुएंस, एंड द कॉमन नेम इज वीट स्टेम बोरर. तो आप देखोगे कि जो ये पेस्ट की सिस्टमेटिक पोजीशन है किंगडम, फाइलम, क्लास सभी पेस्ट के लिए कॉमन है, सिर्फ डिफरेंट क्या है ऑर्डर एंड फैमिली. तो एक बार आपने सभी पेस्ट की ऑर्डर एंड फैमिली लर्न कर ली तो उसके बाद आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और एक बात और, जब आप जीनस एंड स्पीसीज लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जीनस एंड स्पीसीज कंप्लीट काउंट नहीं होती. तो देख लिया स्टूडेंट्स आपने सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने का तरीका. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसके बाद हैबिट्स, कि हाउ टू राइट द हैबिट ऑफ द पेस्ट. तो जब भी हम हैबिट लिखते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि वेदर द पेस्ट इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट और एक्टिव ड्यूरिंग द डे. तो इन केस ऑफ सिसेमिया द पेस्ट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, सो दिस इज ए नॉक्टर्नल इंसेक्ट. तो आप वे देखिए कि आपको इसको कैसे लिखना है. फिर हमें उसका लाइफ स्पैन देना होता है इंसेक्ट का, तो हमारा लाइफ स्पैन सिसेमिया का है 10 से 15 डेज. फिर उसकी एग लेइंग, वो कहां पर एग ले करता है. एग लेइंग है सिसेमिया की अंडर सरफेस ऑफ द लीफ शीट. फिर वो किस वेदर को प्रेफर करता है, तो जो सिसेमिया है इट प्रेफर हॉट एंड मॉइस्ट वेदर टू इन्फेक्ट द क्रॉप. इसके बाद हमें बुक में इसकी जनरल अपीयरेंस नहीं दे रखी, तो हमें हैबिट्स को लेंथी बनाने के लिए इसके अंदर हमें जनरल अपीयरेंस को ऐड करना पड़ता है. तो आप जब बुक में देखोगे तो जो हैबिट है सिसेमिया की ओनली 2 लाइंस आर गिवन इन द हैबिट्स. जब आपको पेपर में अटेम्प्ट करोगे क्या 2 लाइनें लिखने से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. तो आपको इसको कैसे लेंथी बनाना है, मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको इसको इस तरीके से लेंथी बनाना है बाय एडिंग द जनरल अपीयरेंस ऑफ द बेस्ट आल्सो इन द हैबिट्स. नेक्स्ट जब आप बुक में देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट. अब आप इसकी लाइफ साइकिल देखो, बुक में इसका डायग्राम देखो, तो जो डायग्राम बुक के अंदर दे रखा है क्या वो सही है. जब भी हम किसी चीज की लाइफ साइकिल करते हैं तो लाइफ साइकिल हमेशा एक चीज से शुरू होकर वहीं पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई एरो दिया गया है ना कुछ. तो आपको इस लाइफ साइकिल को अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर तरीका अपनाना होगा. तो प्रॉपर मेथड इज दिस. यू कैन सी
in this chart the proper way to write the life cycle of the wheat pest. Here, the life cycle of the wheat pest consists of four stages: egg, caterpillar, cocoon, and then adult. It means it shows complete metamorphosis. Complete metamorphosis means when the life stage undergoes pupa stage. If the life cycle does not undergo the pupa stage, then it shows incomplete metamorphosis. For example, Pyrrhella purpurcella shows incomplete metamorphosis because in the life cycle of Pyrrhella there is no pupa stage. Now see the egg. You can draw the life cycle in this way. Here in the arrows you show the incubation period. Incubation period is when the egg converted into the caterpillar. The incubation period is 6 to 7 days. Incubation period matlab heat period. Jab ye egg caterpillar mein convert hoega. To sabse pehle jo caterpillar mein convert hota hai to caterpillar ki length hoti hai 10 mm. Lekin dheere dheere after 4 to 5 weeks the length becomes 35 mm. And during this period from changing the length 10 mm to 35 mm, the caterpillar undergoes 6 to 7 molts. This caterpillar stage is the damage causing stage. This is the most dangerous stage to infect the crop. The caterpillar prefer moist, hot weather for infesting the crop. After caterpillar stage, the caterpillar undergoes pupation, which is more than 14 days, and it is converted into the cocoon. After 6 to 10 days in the cocoon period, this cocoon converted into the adult. Adult is also the damage causing stage. It is the damage causing stage because this adult is responsible for egg laying. Egg laying is done under the inner surface of the leaf sheet. The lifespan of this insect is 10 to 15 days. The entire life cycle is completed in 30 to 40 days. तो आपको ये प्रॉपर तरीका इस तरह से ही अपनाना है कि यहाँ पे एग लेके चलो, फिर डैमेज कॉजिंग स्टेज आएगी, देन द कोकून स्टेज एंड देन द एडल्ट, और सेंटर में आपको लिखना है द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 30 टू 40 डेज, और नीचे आपने कैप्शन देना है लाइफ साइकिल ऑफ वीट पेस्ट सिसेमिया इन्फ्लुएंस. देन आपको इन स्टेजेस को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट एग, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट, जो कि आप क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. लेकिन फिर भी आपको ये सारी स्टेजेस याद करने के लिए प्रॉपर तरीका क्या अपनाना होगा. फर्स्ट तो आपको एग्जाम में इस तरह से अटेम्प्ट करना है, और जब लर्न करने का पर्पस आए तो आपको लर्न करने के लिए एक अलग मेथड अपनाना होगा, जैसे कि इस चार्ट में शो किया गया है. जैसे कि इस चार्ट के अंदर शो किया गया है. नाउ दिस इज द एग स्टेज, दिस इज द कैटरपिलर स्टेज, देन रफ कोकून एंड देन द एडल्ट. ये याद करने का तरीका है कि आप इस चार्ट को आपके फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी में 5 इंसेक्ट्स आते हैं जिसमें आपने उनकी लाइफ साइकिल लर्न करनी है. अब जब आप लाइफ साइकिल लर्न करने लगते हो, एक की लाइफ साइकिल लर्न करी, दूसरे पे गई, दूसरे गए, तो क्या होता है कि पहले की भूल जाती है. बाय चांस आपको दूसरे की याद रहती है, तीसरे तक गए तो पहली भूल जाएगी, दूसरी भूल जाएगी. इस तरह से पांचवे तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी की सारी लाइफ साइकिल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी. तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप पांचों पेस्ट की लाइफ साइकिल को इन दिस वे आप उसको 5 चार्ट्स की फॉर्म में 5 पेस्ट की लाइफ साइकिल को ड्रॉ कर लो. इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इस चार्ट को बनाने के बेनिफिट क्या है कि आपको हर स्टेज की करेक्टरिस्टिक्स यहीं पर लर्न हो जाएगी. तो जब आप इस चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो जब आप एग लिखोगे तो आपको उसके नीचे अपने आप ही 3 लाइनें याद आएंगी. जब आप यंग कैटरपिलर लिखोगे तो उसकी 3 लाइनें आपको अपने आप ही याद आएंगी. फुल्ली ग्रोन के लिए अलग, रफ के लिए अलग, एंड देन एडल्ट के लिए आपको अलग से ही सारी करेक्टरिस्टिक्स अपने आप याद आती चली जाएंगी कि हमने इस स्टेज के लिए ये 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, इसके लिए ये लिखना है और इसके लिए ये लिखना है. अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एग ऑफ सिसेमिया आर बीड लाइक, दीज आर लेज इन द रोज ऑफ 3200 एग्स एंड टोटल एग्स लेड आर 200 से 300. तो जब आप ये 3 करेक्टरिस्टिक्स एग के साथ ही लिख दोगे तो आपको अपने आप ही ये करेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी. लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए टेबल बनानी है, और पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस तरह से बनाकर इंडिविजुअली यही एग की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखनी है,
देन कैटरपिलर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखनी है एंड प्यूपा की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एंड एडल्ट के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर एड करने हैं। तो पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और लर्न करने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये वाला फॉलो करते ही आप इस चार्ट को पेपर में बड़े इजिली ड्रॉ करके इजिली अटेम्प्ट कर लोगे और आपको पांचों पेस्ट की लाइफ साइकिल टिप्स पर याद हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज डैमेज कॉजिंग, हाउ द डैमेज इज कॉज्ड बाय द पेस्ट। अब जब हम बुक के अंदर देखते हैं तो जब हम देखेंगे तो डैमेज सिर्फ इन तीन लाइन्स में कंप्लीट कर दिया गया है। अब सिर्फ अगर आप पेपर में ये तीन लाइन्स लिख के आते हो कि डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट इज कंप्लीटेड इन दीज थ्री लाइन्स, देन हाउ विल यू गेट द मार्क्स। तो इस डैमेज को बड़ा करने के लिए अब आपने इस डैमेज के अंदर क्या क्या एड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप अपनी बुक में वीट का पेस्ट खोलोगे तो आपको स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगी। यही डिस्ट्रीब्यूशन आपने डैमेज के अंदर डालनी है बाय एडिंग हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी, क्योंकि इंडिया का पेस्ट है तो इंडिया में तो हम जहां पर भी वीट ग्रोइंग एरियाज हैं उन सब में ये पेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अदर कंट्रीज क्या है, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड जापान एक्सेट्रा। देन हम इस डैमेज को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे कि इसका प्राइमरी होस्ट प्लांट, जब आप बुक में देखोगे तो बुक में आप देखोगे कि फूड प्लांट्स, दीज फूड प्लांट्स कम्स अंडर द हेडिंग डैमेज। तो आपने इन फूड प्लांट्स को इस तरह से करके लिखना है, प्राइमरी होस्ट प्लांट विच इज वीट, क्योंकि ये वीट का पेस्ट है इसलिए इसका प्राइमरी होस्ट प्लांट तो वीट ही रहेगा। देन सेकेंडरी होस्ट प्लांट क्या होते हैं कि जो अदर वीट से अलग जो क्रॉप्स हैं जिन पर ये पेस्ट अपना इफेक्ट शो करेगा, उन सभी क्रॉप्स के नाम हमने सेकेंडरी होस्ट प्लांट में डालने हैं। तो सेकेंडरी होस्ट प्लांट क्या हुआ, मेज, ज्वार, बाले, पैडी एक्सेट्रा। और फिर इसके बाद हमने थर्ड हेडिंग में सब हेडिंग में क्या डालना है, डैमेज कॉजिंग स्टेज। डैमेज कॉजिंग स्टेज इज कैटरपिलर। अब आपको बाकी की सारी डिस्क्रिप्शन बुक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको जो मेथड है डैमेज लिखने का, जिससे कि आप इस मेथड इस हेडिंग को थोड़ा सा लेंथी करके लिख सकते हो, तो मेथड इज दिस। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल। जब हम बुक के अंदर कंट्रोल देखते हैं तो हम इन पांच पॉइंट्स को देखते हैं कि ये पांच पॉइंट्स बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेल, बट नाउ हमें इस कंट्रोल को प्रॉपर वे में क्या लिखना है कि हम इस कंट्रोल को दो हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, मैकेनिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल मतलब जो हम अपने हाथों से करेंगे, जो हम अपने आप मैन्युअली उसको फॉलो कर सके कंट्रोल को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट क्या है, शूट्स रिमूव कर दो, जो जिस भी शूट्स के ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि इसका जो कैटरपिलर है वो शूट के ऊपर अटैक करता है, तो जितने भी शूट्स हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है उन सबको रिमूव कर दो और बर्न कर दो। बर्न करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी बोरर्स उस स्टेम के अंदर होंगे बर्न करने से वो सारे के सारे मर जाएंगे, तो किलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम उन शूट्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देंगे तो क्या होगा कि उसके जो बोरर है वो वहां से निकल के, उस शूट से निकल के फिर से क्रॉप में आ जाएंगे और इस तरह से फिर से इफेक्ट कर देंगे क्रॉप के ऊपर, इसलिए उस शूट्स को बर्न करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। देन जितनी भी ग्रास वीड्स हैं उन सबको रिमूव करके बर्न कर दो, क्योंकि अगर फिर वही तरीका है कि अगर हम इनको उठाकर ग्रास वीड्स को रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख देंगे तो उसमें जितने भी एग्स एंड लार्वे हैं वो फिर से क्रॉप के अंदर चले जाएंगे और क्रॉप को इफेक्ट करेंगे, इसलिए ग्रास वीड्स को रिमूव करके बर्न करना जरूरी है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के लिए हम ये दो केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वीट स्टेम बोरर पर कोई भी इंसेक्टिसाइड की अगर हम एप्लीकेशन करते हैं देन इट इज नॉट एडवाइजेबल। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम वीट स्टेम बोरर के ऊपर इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन करते हैं तो जो नेचुरल एनिमीज हैं वो मर जाते हैं। अब नेचुरल एनिमी जब मर गए तो क्या होएगा, इस पेस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, विच इज नॉट गुड। सो द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर दिस पेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल। तो हम क्या करें इसको कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो ही मेथड है, क्लीन कल्टीवेशन एंड रिमूवल ऑफ द अटैक
शूट्स। अगर हम ये दो मेथड मैनुअली अप्लाई करते रहे तो ये पेस्ट का कंट्रोल पॉसिबल है, अदरवाइज क्लीन केमिकल कंट्रोल इज नॉट एडवाइजेबल फॉर दिस पेस्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स अगर आप मेरा ये मेथड फॉलो कर ले बाकी के चार पेस्ट के लिए भी तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी लर्न करने के लिए। अदरवाइज जब आप एक पेस्ट से दूसरे पेस्ट में जाओगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एक भी पेस्ट को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इन सारे सब हेडिंग्स को आपने किस तरह से लेंथी करके दिखाना है आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ वेल। थैंक यू।